एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज निव्या भुवन एंड वेलकम टू बिंग बैंकर विद निव्या गाइस. सो आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे. सो चलिए आज हम लोग 8th मे के करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं. हमने ऑलरेडी 1 to 7th मे के करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से उन सभी वीडियोज को देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए. तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में. तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज आई है वो आई है पुडुचेरी से. एन रंगासामी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं पुडुचेरी के. ये फोर्थ टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं पुडुचेरी के. इससे पहले ये 2001 से लेकर के 8 तक भी चीफ मिनिस्टर थे पुडुचेरी के, और साथ ही 2011 से लेकर के 16 तक भी इन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पे वहां पर सर्व किया है. ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के ये फाउंडर लीडर हैं. सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है पुडुचेरी के तमिलीसाई सौंदरराजन, उन्होंने ही ये ओथ सेरेमनी पूरी करवाई थी. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट न्यूज, हिमाचल प्रदेश से आई है. हिमाचल प्रदेश बनाने वाला है फॉरेस्ट पॉन्ड्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर. बरसात के पानी को सहेज के रखने के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स बनाए जाने, जिसका टोटल खर्चा जो बताया गया है वो बताया गया है 20 करोड़. ये जो बनाया जा रहा है रेन वाटर हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए, ये स्कीम आता है आपका पर्वत धारा स्कीम. सो इस धारा स्कीम के तहत में ही इसको बनाया जाने का पूरा प्लान किया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा. ये स्टार्ट किया जाना है 10 फॉरेस्ट डिविजन में, जो कि बिलासपुर, हमीरपुर, जोगिंदर नगर, नाचन, पर्वती, नूरपुर, राजगढ़, नालगढ़, थियोग एंड दलहौजी में होने वाला है. सो इसमें क्या होने वाला है, स्कीम में अभी जितने भी आपके डैम्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी को साफ किया जाएगा. साथ ही उनके सही से मेंटेनेंस की काम की जाएंगी और नए पॉइंट्स भी बनाए जाने के प्लान्स हैं, डैम्स बनाए जाने हैं ताकि रेन वाटर को बचा करके रख सकें एंड उसका आगे फ्यूचर में यूज कर सके एक सही तरीके से. सो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर. मूविंग ऑन टू आर न्यूज नंबर 3, RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक को RBI एक्ट के सेकेंड शेड्यूल से बाहर निकाल दिया है. RBI के सेकेंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स लिस्टेड होते हैं वो सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं. इसका मतलब है लक्ष्मी विलास बैंक अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर हुआ था पिछले साल DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ में, क्योंकि इसकी हालत काफी खराब थी. इसे बचाने के लिए RBI ने ये डिसीजन लिया था. सो लक्ष्मी विलास बैंक दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक था जिसकी इतनी हालत खराब हुई थी. इसके पहले जो बैंक था वो था यस बैंक, जिसको बचाने के लिए RBI ने SBI से कहा था उसमें 7,250 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने के लिए, डालने के लिए, और जिसके बाद SBI 45% स्टेक का मालिक बन जाता. सो लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, फाउंड किया गया था 1926 में और इसके जो हेड है वो है सुब्रमण्यम सुंदर. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट न्यूज नंबर 4, RBI ने RRA 2.0 के लिए एडवाइजरी ग्रुप सेट करने का फैसला किया है. RRA इज रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, जिसके चेयर, जिसके जो हेड होंगे वो है SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है S. जना खिरमन. सो RRA 2.0 क्या है, ये एक साल के लिए बनाया जाना था. इसका काम था सभी रेगुलेशन, सर्कुलर्स, रिपोर्टिंग सिस्टम, कॉम्प्लायंसेस, प्रोसीजर्स को रिव्यू करना और सही डिसीजन लेना ताकि ये और अच्छे तरीके से काम कर सके. RBI के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास 25th गवर्नर है अभी RBI के. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और साथ ही इसे फाउंड किया गया था कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट न्यूज नंबर 5, हम लोग हर साल 8th मे को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे सेलिब्रेट करते हैं. ये दिन ही क्यों चुना गया था, क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के जो फाउंडर थे हेनरी जुनैंट, इनका जन्म हुआ था और साथ ही ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था. इस साल का जो थीम दिया गया है वो दिया गया है अनस्टॉपेबल. आप जानते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस क्या काम करता है. वर्ल्ड रेड क्रॉस लोगों की बेहतरी के लिए उनके हेल्थ सेक्टर में ये काम करते हैं ताकि लोगों को सफर से बाहर निकाला जाए, उनकी सफरिंग को कम किया जाए और ताकि लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड की जाए. प्रेसिडेंट ICRC के हैं पीटर मॉरर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है. नेक्स्ट न्यूज आई है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जो कि हम लोग हर साल 8th मे को सेलिब्रेट करते हैं. सो थैलेसीमिया एक आप जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हो जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाती है. इसमें क्या होता है, लेस हेमोग्लोबिन बनती है एंड जो ब्लड सेल होते हैं वो भी नॉर्मल से कम बनते हैं. इस साल का जो थीम दिया गया था वो दिया गया था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट न्यूज नंबर 7, टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो दूसरी वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उस टाइम पे जितने भी लोगों की जाने गई थी उन सभी को याद करने के लिए हर साल 8th और 9th मे का दिन चुना गया है. यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए 2004 में बताया गया था. इस साल 76th एनिवर्सरी होने वाला है, मतलब 76 ईयर्स हो चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 के हुए हुए. सो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस एंड यूनाइटेड नेशन बनाया गया था 1945 को ताकि अपने जितने भी में जो देश है उनके बीच में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट न्यूज नंबर 8,
हर साल 8th मई को हम लोग वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी सेलिब्रेट करते हैं. सो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे का इस साल का जो थीम दिया गया था वो दिया गया था सिंग फ्लाई रोर लाइक अ बर्ड. सो बर्ड की तरह आप भी उड़ें, आप भी फ्लाई करें, आप भी सिंग करें, आप भी सोर करें. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट न्यूज नंबर 9, वेटरन म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया अब हमारे बीच नहीं है. वनराज भाटिया को जाना जाता है वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक इंडिया, जैसे इन्होंने प्रमोट किया है वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक को इंडिया में, उसके लिए इनको जाना जाता है. काफी सारे इन्होंने काम किए हैं, काफी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट फिल्म में काम किया है, फीचर्स फिल्म में काम किया है, टेलीविजन में, डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया है. काफी सारे अवार्ड्स भी इनको दिए गए थे. संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया था 1989 में, माफ करें, एंड साथ ही पद्मश्री दिया गया था 2012 में. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट न्यूज नंबर 10, सीनियर जर्नलिस्ट शेष नारायण सिंह की कोविड के कारण मृत्यु हो गई है. वो 70 ईयर्स के थे, एक जाने माने कॉलमनिस्ट, कॉलम लिखा करते थे, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर थे और साथ ही इन्हें काफी अच्छी नॉलेज थी फॉरेन पॉलिसीज पे. सो दो दशकों से भी ज्यादा का इनका करियर रहा है और काफी अच्छा करियर रहा है. सो आज के लिए इतना ही है, आई होप आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा. जाते जाते लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा. अपने सजेशन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड साथ ही अगर आप नए हो या फिर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर.